हथकड़ी लगी थी सारा खुल गया, बंधन यानी खुल गया भगवान है तो। और उधर से जोग माया को लेकर आ रहे हैं तो स्वतः किवाड़ बंद होता चला जा रहा है। और जेल के अंदर वसुदेव और देवकी दोनों को हथकड़ी लग गई। श्री कृष्ण यानी माया का मतलब बंधन होता है। माया जब आई तो वसुदेव और देवकी बंधन में पड़ गए, बंध गए, रोने लगे। मैया बड़ी कड़ी आवाज में रोने लगे। कंस ने सुना, दौड़ कर आया मारा और दौड़ आया, जबरदस्ती उस पुत्री को छीन लिया, छीन करके उसी के सामने पटक दिया। वह देवी आकाश मार्ग में प्रकट हो गई और कहा, अरे कंस तू मुझे क्या मारेगा, तेरे को मारने वाला प्रकट। कंस ने कहा, देवी ये बात बताओ कहां प्रकट हो गया। देवी ने कहा, कितना मैं नहीं जानता हूँ, नहीं जानता हूँ कि प्रकट हो गया है, कहाँ है मैं नहीं जानता हूँ, इतना मेरा ज्योतिषी तागड़ा नहीं है। हो गया महाराज, इतना जब सुना कि कलेजा कांप गया, थर थर कंस कांपने लगा महाराज। और नारद जी के मुखारविंद से सुना था कि आपको मारने वाला काला होगा और वसुदेव का लाला होगा। काला होगा दिमाग में बैठा लिया महाराज, दिन रात उनके दिमाग में चक्कर काटने लगा काला वस्तु। उस दिन से अपने बाल काला बाल को बांध कर रखने लगा, कहीं नजरों के सामने बाल आ जाए तो काम बिगड़ जाएगा। कभी कभी उनके भोजन में भूल करके उनके दाल में जीरा आ जाता था ना, तो कृष्ण को देखता था दाल उठाकर फेंक देता था, आ गया कृष्ण। जितने काले वस्तु थे उनके अपने घर मकान में उसको हटवा दिया, काला से डरने लगा। जितना करिया सेवक रहा उनको सब हटा दिया ना महाराज, सभी को हटा दिया। काला वस्तु उसके दिमाग में घर बना लिया कि कृष्ण है भजन होने लगा महाराज। ये तो भजन है, दिन रात भगवान को यह स्मरण और मन में बैठा ले, उससे बड़ा भजन क्या हो सकता है। तो बैठा लिया कैसे कि अपने मन में को मंदिर बना लो, अपने मन को ही मंदिर बना लिया। अपने मन को मंदिर बना लो,